तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर सर्किट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके एनसीआरटी में इसकी डेरिवेशन गिवन है, बाकियों की नहीं गिवन, इसकी गिवन है, बाकियों के तो रिजल्ट गिवन है, आ सकते हैं मुझे पता नहीं, पर ये तो गिवन है। तो एलसीआर में इक्वेशंस क्या होती हैं, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस फाइव या प्लस फाइव डिपेंडिंग की वीएल बड़ा है या वीसी बड़ा है, कुछ भी तुम कुछ भी ले लो, प्लस ले लो माइनस लो कोई चक्कर नहीं, जो इच्छा है वो ले लो। तो मैंने माइनस ले लिया, तो एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी ई इंटू आई, डी टी राइट साइड पे चला गया, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी, मैथ्स के लोग जानते हैं इसको इंटीग्रेट करना बहुत लंबा काम है, इसको ओपन करके इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, नहीं करनी, एनसीईआरटी की किताब सीधी लिखती है ऑन इंटीग्रेटिंग दिस टर्म, सीधा करने के, जो मैथ वाले चाहें तो करें जो मर्जी करें, लेकिन मैं मेडिकल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, सीधा रिजल्ट लिखती है, चेक भी कर लेना, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट कॉस फाई इंटू टी बाई टू, रिजल्ट ही याद कर लिया तो सीधा पुट कर लिया कॉस फाई इंटू टी बाई टू, इंटीग्रेशन के स्टेप्स बचा लिए, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम इसके इक्वल आ गया, टू को लिख लो रूट टू रूट टू, ई नॉट बाई रूट टू क्या ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू क्या आई आर एम एस, एवरेज पावर की वैल्यू आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एवरेज पावर का, एलसीआर में एवरेज पावर क्या होती है, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अच्छा एक चीज़ बताओ, फाई का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, अगर ओनली रेजिस्टर है तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या होगा, जीरो, चेक करो कॉस जीरो क्या होता है, वन, और रेजिस्टर की पावर आ गई। इंडक्टर में फाई क्या होता है और कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज में 90, कॉस 90 क्या है, जीरो, एवरेज पावर जीरो, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जहां मर्जी लगा लो चलेगा, ठीक है यहां तक, तो एवरेज पावर की